मैं प्रतीक थार वाला आज देखो खड़ा हूँ ऑडी Q3 के सामने। इस जंगलों के बीच ये फार्म हाउस है, ये अपने भाई है। हेलो हाय अनिकेत भाई है, मिलवाते हैं अभी इनसे। तो भाई ये है देखो ऑडी Q3 2017 मॉडल, क्वाट्रो टेक्नोलॉजी के साथ आता था। कुछ ऐसा किया आता था लॉक अनलॉक और ये बूट ओपन करने वाला। तो सबसे पहले इसका स्टार्ट करते हैं इसके हेडलाइट से। देखो ये कुछ ऐसा हेडलाइट्स आता है, ये LED प्रोजेक्टर्स विद LED है। इसमें देखो इसमें कोई फॉग लैंप का ऑप्शन नहीं मिलता है। इसमें ऑडी का कुछ ऐसा ग्रिल आता है, सिग्नेचर ग्रिल जिसको बोलते हैं, और ये ऑडी का क्वात्रो जो टेक्नोलॉजी यूज़ करता है ऑडी ऐसा है कुछ। इस साइड भी यही है। देखो यार इसके ये अलॉयज़ है, ये 17 इंच के अलॉयज़ व्हील्स है। इसका उस समय भी टर्न इंडिकेटर्स आते थे इसमें ORVM में, रिक्वेस्ट सेंसर उस समय भी आते थे। और यार ये देखो रिक्वेस्ट सेंसर एक डोर में नहीं है यार, चारों डोर में आपको दिखेगा। 1, 2 ठीक है एंड 3, 4 ठीक है। अब आते हैं इसके बैक साइड में, इसके बूट में देखो इसका टेल लैम्प कुछ ऐसा है, बहुत ही अच्छा यार। MG Hector जो आता है इसी से इंस्पायर्ड है पता है, कुछ ऐसा टेल लैम्प है। इसमें देखो रियर वाइपर भी आता था उस समय। और ये एग्जॉस्ट में रियर डुअल एग्जॉस्ट है। मैं इसके इंटीरियर दिखाता हूँ। तो देखो यार इंटीरियर इसमें कुछ ऐसा सिस्टम है, देखो ये नेविगेशन का हो गया, इसका बटन, ये वॉइस कमांड हो गया, ये वॉल्यूम अप डाउन करने का, ये फिर आपका इसमें ये सब फंक्शन सब है कार का ठीक है। और इसमें उस समय भी क्रूज़ कंट्रोल आता था, लेकिन ये क्रूज़ कंट्रोल नीचे है जो कि इसमें सब वॉक फॉक्स वैगन और स्कॉडा वाले भी फॉलो करते हैं, आज भी ऐसे ही नीचे देते हैं यार, ये गलत बात है। चलो अभी जो नहीं आई उनकी कुशाक और वो जो सेडान आई है नहीं उसमें चलता है। और ये कुछ ऐसा मैनुअल है। और इसमें देखो यार इसमें सनरूफ भी है, ये सनसेट है, ये फुल पैनारोमिक सनरूफ है यार देखो देख रहे हो। उस समय बताओ 2017 में किसमें आया जाता था यार ऐसा लग्जरी प्रीमियम फीचर्स। अभी तो सब क्रेटा व्रेटा सब में आने लग गया है, प्रीमियम तो है भाई देखो। तो सब आपको सब देखो क्वाट्रो का इसमें बैजिंग लिख के आता है, ये क्वाट्रो है। बाकी ये टच स्क्रीन आपको नहीं मिलता उस समय, ये इससे कंट्रोल होता है सब। ऐसा है इसका गेयरबॉक्स, इसमें ऑटोमेटिक हैंड ब्रेक आता था। ये देखो 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है, इसमें आर्मरेस्ट आता था। चलो ये सब तो ठीक है, मैं पीछे से इसका दिखाता हूँ। यार देखो लेगरूम तो बहुत अच्छा है यार इसका, जैसा लेगरूम है और ऐसा भाई हेडरूम है। मेरी हाइट 6'1" है, उसके हिसाब से तो बहुत सही है। इस रास्ते में आए हैं देखो, अब कैमरा में उतना पता नहीं चलेगा यार, बहुत ही खराब रास्ता है, लेकिन सस्पेंशन वो बहुत अच्छा है यार। कैसे सस्पेंशन का कैसा है? बहुत अच्छा है, शॉक अब्सॉर्बेंट जो है इसका मेरे अकॉर्डिंग इस प्राइस रेंज में और 2017 के समय आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अफोर्डेबल कार्स इन दिस प्राइस रेंज। कंफर्ट भी बहुत अच्छा है, कंफर्ट तो अनकॉम्प्रोमाइजिंग कंफर्ट है इसमें। जैसे अभी बहुत सारे देखो कैमरा में यार, हाँ क्या बोल रहे थे? मैं कह रहा था कि अभी जस्ट ऑडी ने Q2 लॉन्च किया है जो ओनली इंपोर्ट वेरिएंट अवेलेबल अभी इंडिया में। अच्छा, उसको ड्राइव करने के बाद, ये ड्राइव करने के बाद मुझे ये डिफरेंस फील हुआ कि प्रीमियम और नॉर्मल में क्या फर्क है, बिकॉज Q2 बिल्कुल भी प्रीमियम नहीं है यार, एकदम और प्राइस चीप लगता है। Q2 प्राइस भी बहुत ज्यादा है यार, प्राइस भी मतलब आई एम नॉट विलिंग टू पे दैट प्राइस। सही बात है, लग्जरी फैक्टर जो है Q2 में वो मिसिंग है बेसिकली। यही रोड्स की बात कर रहा था, देखो बहुत स्टेबल है यार गाड़ी। चलो अभी आपको स्टेबिलिटी दिखाते हैं हाईवे पे। क्या हाईवे पे हम लोग इसको इसके लिमिट्स पे पुश करेंगे ठीक है भाई। तो देखो गाइस अभी आ गए हाईवे पे, अभी मैं इसको चला के देखूंगा, इसका लिमिट पुश करूंगा, बताऊंगा आपको कैसा है ये ऑडी Q3 35 TD क्वात्रो। चलो बताता हूँ गाइस। तो देखो कुछ ऐसा है इसका गियर, इसमें इसको प्रेस करके पीछे करना पड़ता है। अभी पार्किंग में है, रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव, ड्राइव में आ गया ठीक है। देखते हैं कैसा है इसका इनिशियल इंप्रेशन। पावर तो फील हो रहा है मुझे, इसमें स्पोर्ट्स मोड भी है ना। हाँ ठीक है,
इसको स्पोर्ट्स में भी करके देखेंगे। यार देखो मानना पड़ेगा यार, इसका जर्मन गाड़ी का बहुत अच्छा स्टेबिलिटी है यार गाड़ी का। देखो मैं अभी 100 पे हूँ इस वक्त, लेकिन पता नहीं चल रहा है 100 पे हूँ, और बहुत ही स्टेबल गाड़ी। अभी मैं इसको स्पोर्ट्स में करके देखता हूँ, देखते हैं कैसा होता है। स्पोर्ट्स लग गया ना, ठीक है भाई। स्पोर्ट्स पे करने के बाद तो भाई क्या ही रिस्पॉन्स है यार, अमेजिंग रिस्पॉन्स है गाड़ी का। भाई मेरे को क्रूज का याद आ गया यार, बताओ भाई क्या ही यार अमेजिंग परफॉर्मेंस है ब्रो गाड़ी का, मजा आ गया ब्रो। लेकिन नाइस है यार, बहुत बहुत अच्छा प्रोडक्ट था यार, एक्चुअली बहुत अच्छा है। इस प्राइस में इतना सब कुछ मिल रहा है और क्या चाहिए यार। स्पोर्ट्स मोड करने के बाद इसका देखो ब्रेकिंग बहुत अच्छा है यार गाड़ी का। कैसा ब्रेक कैसा लगता है आपको? ब्रेकिंग मेरे अकॉर्डिंग वन ऑफ द सेफेस्ट ब्रेकिंग सिस्टम है, ABS है इसमें, ABS EBD प्लस। मैंने सिर्फ उसको एक ही बार टेस्ट किया है। अच्छा, वो भी इनिशियली हाईवे पे ही टेस्ट किया है। अच्छा अच्छा, एंड मेरा जो रिस्पॉन्स रहा है मैं नो कमेंट्स। सही है यार, आप देख के आप एक बार जाओ, अभी तो अवेलेबल शायद से नहीं है ना ये गाड़ी। अभी तो बहुत ही एडवांस मॉडल्स आ गए हैं, बट मुझे उनका नॉलेज नहीं है। अच्छा। मुझे मेरा जो पर्सनल जो ओपिनियन है वो इसके ऊपर ही बेसिस पर है। ठीक है ठीक है, तो आप मतलब पूरा सेटिस्फाइड है गाड़ी से? हम बिल्कुल सेटिस्फाइड है, और हम इसको प्लानिंग कर रहे हैं रखने की, और आगे 5 साल और रखने की। आगे 5 साल हो गए ना, अभी कितना साल हो गया? 5 साल तो हो ही गया है, 5 ईयर्स हो गया कम्प्लीट, अब और 5 ईयर्स हो गए। देखो भाई यही ऑडी। और कस्टमर्स आपका सर्विसिंग का क्या एक्सपीरियंस है? सर्विसिंग का बेसिकली जो नॉमिनल चार्जेस हैं वो पे करना पड़ता है, बट ऐसे कुछ मेजर इशू कुछ आज तक फेस किया नहीं है हमने सर्विसिंग को लेके। अच्छा अच्छा, तो थम्स अप टू ऑडी? या एग्जैक्टली थम्स अप। ओके, तो भाई कुछ यही है अभी। देखो यार, अगर उस समय ना, अगर मेरे पास भी अगर उस समय 50 लाख रुपए होते तो उस समय ज़्यादा कुछ मार्केट में था नहीं, फॉर्चुनर था, फॉर्चुनर कम इसे सस्ता ही था उस समय ना। फॉर्चुनर वाज अराउंड 38 लाख। आप जैसे ठीक है चलो, आप तो ऑडी Q3 लिए, जैसे अभी आज के टाइम में ठीक है 2022 में ठीक है, आपके पास अगर 50 लाख रुपीज़ है कैश, आप कौन सी गाड़ी लेना पसंद करोगे? बहुत अच्छी अच्छी गाड़ी आ गई है। मैं अभी इस टाइम के हिसाब से जाना चाहूँगा BMW X1 के साथ। माइलेज कैसा है? माइलेज अराउंड 15-14 हाईवेज में, और सिटी में 9-10 के बीच। हाँ ठीक है, उतना तो चलता है, बढ़िया वैसे ना माइलेज। माइलेज तो ठीक है। चलो यार, तो यही है हमारे अनिकेत भाई, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब टू इस चैनल। चलो मिलते हैं, अच्छा लगा। अभी आप वैसे कहाँ रहते हो? अभी मैं वैसे UK में रहता हूँ। अच्छा, मैनचेस्टर शिफ्ट हो गया। मैनचेस्टर शिफ्ट हो गया हो, ठीक है भाई। अभी फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, क्या? Sure. मिलते हैं ऐसे ही कंटेंट के लिए। प्रतीक के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। प्रतीक थार वाला। ओके भाई, चलो बाय बाय। बाय।